नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है एक अलग टेलीस्कोप के साथ शूट हो रहा है, तो अपने साथ है अमेजोन पे बिकने वाला, सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो टेलीस्कोप है 130 EQ मास्टर, और उसका प्राइसिंग कुछ 27-28 हज़ार के आसपास आज के डेट पे चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्क्रीन पे देख लो क्या कॉस्टिंग रहेगा। ये टेलीस्कोप को ये कॉस्टिंग जस्टिफाई करता है क्या, यही बात आज हम लोग इस टेलीस्कोप के ऊपर करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा रिव्यू करने वाले हैं, इसका स्पेसिफिकेशन, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो डेफिनेटली देखना दोस्तों। ये जो है सेलेस्ट्रॉन का एस्ट्रो मास्टर 130 EQ, ये ट्यूब आती है, मतलब ये आपको बॉक्स में अलग अलग सब आता है, तो आपको असेंबल करना पड़ता है। जैसे ये इन्होंने पूरा गाइड दिया है कि आपको कैसे असेंबल करना है, तो जो किट आता है या फिर बॉक्स आता है उसमें हर एक चीज़ अलग अलग आती है ऐसे। तो हमारे फ्रेंड ने ये पूरा असेंबल करके, इसको ही देख के असेंबल किया, थोड़े से कुछ माइनर इश्यूज़ थे जिसको मैंने आके सॉर्ट आउट कर लिया। ये टेलीस्कोप आता है, इसमें आता है ये जो ट्यूब है, तो इसका स्पेसिफिकेशन जो है आप देख सकते हो कि 130 EQ लिखा, मतलब इसका जो डायमीटर ऑफ मिरर है यहाँ पे प्राइमरी मिरर अंदर, तो ये जो मिरर है इट इज़ अराउंड नहीं है 130 mm का है। और इसका जो फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ फाइन फोकस होने के लिए 650 mm का जो फोकल है, मतलब f/5 रेशियो में ये टेलीस्कोप है। तो दिस इज़ गुड फॉर, हम लोग बोलेंगे कि डीप स्काई ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हवा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, काफ़ी हाइट पे हूँ, तो दिस इज़ गुड फॉर डीप स्काई ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग और बात करेंगे तो ये आता है रेड डॉट फाइंडर है इसके ऊपर, आप देख सकते हो कि सेलेस्ट्रॉन का रेड डॉट फाइंडर, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये रेड डॉट फाइंडर है। और उसके अलावा इसमें दो आईपीसेस आती है, एक 10 mm और एक 20 mm। ये जो हम लोग देख रहे हैं रैकिन पीनियन, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, काफ़ी स्मूथ है इसका जो रैकिन पीनियन जो है। और ऐसे आपको दो रिंग्स भी मिल जाएंगे इसके ऊपर, हमको ये सेटअप करना है। उसके अलावा ये डोवटेल जो है इसके ऊपर ये रिंग सेट हो जाती है, तो आप चाहिए तो दूसरा कोई माउंट है उसके ऊपर भी आप ये जो ट्यूब है अटैच कर सकते हो। सेलेस्ट्रॉन के ब्रांडिंग में टेलीस्कोप आ रहा है, तो सेलेस्ट्रॉन का ये जो ट्राइपॉड है तो काफ़ी हेवियर साइड में है, यहाँ पे आपको ट्रे मिलता है एसेसरीज रखने का। इसके बाद यहाँ पे स्क्रू है, तो पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा ये स्क्रू मिला है आपको जो माउंट है उसको माउंट करने के लिए। उसके बाद ये जो टेलीस्कोप है दिस कम्स विद द EQ CG3 माउंट, तो CG3 में इक्वेटोरियल माउंट ही है ये। इसमें ये आपका जो है आर ए एक्सिस है, और ये जो है आपका ये डेक्लिनेशन जो है एक्सिस आप देख सकते हो। तो माउंट काफ़ी हेवी है फ्रेंकली बोलूँ तो, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो काउंटर वेट है इतने हेवी होने वाले, इज़ मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि दो काउंटर वेट इसमें लगा है, क्योंकि माउंट भी काफ़ी हेवियर साइड में है। उसके बाद ये जो ऊपर आप प्लेट देख रहे हैं डाउटेल प्लेट, इसके ऊपर हमारा टेलीस्कोप माउंट हुआ है। इसके अलावा ये जो है स्लो मोशन केबल्स, थोड़ी शॉर्ट है, ठीक है शॉर्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है CG3 माउंट जो है इसका सेलेस्ट्रॉन का, इसमें जो डेक्लिनेशन नॉब है ये 10 डिग्री पे लॉक होता है, जैसे EQ1 EQ2 जो माउंट है उनमें 10 डिग्री का लॉक है, उसके अकॉर्डिंग ये भी लॉक हो जाता है। जब भी आपको टेलीस्कोप यूज़ करना होगा, मतलब फ्रीली माउंट मूव करना होगा, तो आपको ये जो क्लच आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको लूज करके आपको डेक्लिनेशन को सेट करना है। तो अभी अकेला ही हूँ तो मैनेज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, तो इसे हम लोग हमारा डेक्लिनेशन, मतलब जैसे अल तजुमत होता है वैसे ही है डेक्लिनेशन, सॉरी इसको आर ए बोलेंगे, तो ये जो आर ए का हम लोग लोकेशन है या पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं। एक बार वो सेट हो गया देन हम लोग स्लो मोशन केबल का यूज़ करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो EQ3 माउंट पे आता है CG3 माउंट, जो सेलेस्ट्रॉन का खुद का जो माउंट है ये वाला। जब आप ये जो टेलीस्कोप जब भी सेट करना है, ये माउंट सेट करना है, तो सबसे पहले आपको ये शाफ्ट लगाना है। माउंट सेट होने के बाद कभी भी ट्यूब पहने मत लगाओ,
जो ट्यूब आपको दिख रही है कभी पहले मत लगाना इक्यू माउंट पे। सबसे पहले आपको शाफ्ट लगाना है, इसके बाद इसमें आपको ये जो काउंटर वेट है वो लगा लेने हैं, ओके। उसके बाद ही आपको ट्यूब माउंट करना है। तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्यूब है, 650 mm का इसका जो फोकल लेंथ है, तो दैट इज़ गुड फॉर डीप स्काई ऑब्जर्वेशन। तो ये जो टेलीस्कोप है अपना, अभी इसके ऊपर 20 mm का आईपीस लगाया हुआ है। तो सामने अभी यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि एक क्रेन दिख रहा है, तो फिलहाल तो टेलीस्कोप उसके ऊपर ही पॉइंट किया है मैंने। तो देखते हैं उसका व्यू, काफ़ी क्लोज दिख रहा है हमको यहाँ से। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि इस टेलीस्कोप की टेक्निकल जानकारी क्या क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके साथ क्या क्या एसेसरीज आते हैं, अटैचमेंट आता है, या फिर इसका हम लोग बोलेंगे कि माउंट वगैरह, इसकी जानकारी हमने ओवरऑल ले ली, ठीक है। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, एक तो आपको ये टेलीस्कोप ख़रीदना है या इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबके मन में है कि आज के डेट पे आपको ये टेलीस्कोप ख़रीदना है या नहीं। तो मेरा आंसर रहेगा कि दोस्तों, आज के डेट पे आपको ये टेलीस्कोप नहीं ख़रीदना है। मैं सेलेस्ट्रॉन का इतना कोई मतलब दुश्मनी नहीं है मेरा सेलेस्ट्रॉन से कि डायरेक्टली नेगेटिव बोल रहा हूँ। मैं कुछ एस्पेक्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनके बेसिस पे ही इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको ये टेलीस्कोप क्यों नहीं लेना है। लेना है तो आप ले सकते हो, सेलेस्ट्रॉन का ब्रांडिंग है। हर एक चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बराबर है। बट आज के डेट पे इस चीज़ का मैं नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा है ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि पहली चीज़ तो ये काफ़ी आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, कि ये टेलीस्कोप का जो कॉस्टिंग है आज के डेट पे वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग है। और उसके साथ जो अटैचमेंट मिल रहा है, एसेसरीज मिल रहा है, या फिर जो क्वालिटी हमको मिल रही है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, क्योंकि उतने ही कॉस्टिंग या उससे कम कॉस्टिंग में काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। मैं अभी न्यू मीड का एक मॉडल परचेस करने जा रहा हूँ, उसका कॉस्टिंग अराउंड 20,000 के आसपास है, और स्पेसिफिकेशन इससे थोड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये टेलीस्कोप के साथ आप प्लैनेटरी व्यू नहीं कर सकते, क्योंकि प्लैनेटरी व्यू करना है तो कम से कम आपके टेलीस्कोप का फोकल लेंथ मिनिमम मेरे हिसाब से तो 900 mm या फिर एफ रेशियो जो है 10 या 8 से 10 के बीच में मिनिमम होना चाहिए। तो इसका जो एफ रेशियो है f5, जो f5 के अकॉर्डिंग आप सिर्फ डीप स्काई ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या फिर चांद आपको ढंग से दिखेगा, प्लैनेट्स दिखेंगे लेकिन देखने में मज़ा नहीं आएगा, इतनी चीज़ है। तो उसके लिए आपको अलग से 2x बार्लो लेना पड़ेगा। उसके बाद इसका माउंट जो है, मुझे मतलब सेलेस्ट्रॉन का माउंट है ब्रांड के अकॉर्डिंग, बट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके जो क्लचेस हैं वो क्लचेस ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनका जो पोजीशन है, जो बेस डाउटेल बेस जो है उसके एग्जैक्टली नीचे है, तो थोड़ा फाइंडिंग करने में इशू आ रहा था। अंधेरे में तो यार दिक्कत हो जाएगा, सपोज़ कर लो आप टेलीस्कोप नाइट ऑब्जर्वेशन में यूज़ कर रहे हो, सब डीप स्काई ऑब्जर्व कर रहे हो फिर भी सपोज़ कर लो, और अंधेरे में वो क्लचेस ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। मैं कभी कभी वो जो बेस प्लेट है वहाँ पे भी सेम क्लच है तो वही घुमा रहा था, तो इससे टेलीस्कोप हिल रहा था, बेस प्लेट जो डाउटेड बेस प्लेट था टेलीस्कोप का, तो वो दिक्कत आ रही थी। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अदर थिंग, एक्स्ट्रा काउंटर वेट या फिर एक्स्ट्रा वेट है जो माउंट और इसमें, तो आपको एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य इतना ही था कि मेरे जो मित्र है उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि कौन सा टेलीस्कोप लेना है, तो उनका थोड़ा नुकसान हुआ मैं बोलूँगा। अगर आपको टेलीस्कोप लेना है तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एस्ट्रोनॉमी सेशन लेने वाला या फिर उनके जानकार कोई लोग रहेंगे तो उनसे आप बात करिए। अगर हमारे थ्रू जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा। ये जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको कम बजट में या फिर आपके बजट में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आप तक पहुँचना चाहिए, यही चीज़ है। मुझे अमेज़ॉन या सेलेस्ट्रॉन या और किसी ब्रांड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं भी कभी ब्रांड में नहीं सोचता, मुझे अच्छा क्वालिटी का कोई चीज़ कम दाम में मिले तो क्यों ना लूँ मैं। तो यही चीज़ सोच के मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे फ्रेंड को भी मुझे दुखाना नहीं था, सेलेस्ट्रॉन से भी मेरी दुश्मनी नहीं है। अब तक आप वीडियो पे बने हो तो यार
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, सजेशन रहे तो डेफिनेटली दे देना। बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत सारे R&D करते रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे टेलीस्कोप हैं जो हमने परचेस किए हैं, उसके ऑलरेडी हमने रिव्यूज़ किए, तो उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लो। और आपके मन में कोई क्वेश्चन सजेशन रहेगा डेफिनेटली इंस्टा पे DM कर दो, और इंस्टा पे भी फॉलो कर दो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट ऑल, बाय बाय।